जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार एके जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको पता है यूपी लेखपाल का रिजल्ट अटका हुआ है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि जो यूपी पीईटी की परीक्षा हुई है, क्या उस परीक्षा से जो यूपी लेखपाल का रिजल्ट है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और जो ओएमआर की जो सीट थी जो बीच में उसकी चेकिंग रुक गई थी वो शुरू हो चुकी है। जब शुरू हो चुकी है तो जो उसका रिजल्ट है वो कब तक निकलेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपसे कहकर गया था कि पीटी की परीक्षा तक कोई भी लेखपाल का रिजल्ट निकल ही नहीं सकता। और बच्चों, मेरी बात सत्य भी हुई। आप बताइए, क्या यूपी पीटी तक 15 और 16 अक्टूबर तक क्या लेखपाल का रिजल्ट निकला? नहीं। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा आपको महकाया जा रहा था कि इसी हफ्ते में रिजल्ट निकलेगा, आज निकलेगा, 9 अक्टूबर को निकलेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, 15-16 अक्टूबर को कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, नहीं निकला। नहीं तो अब रिजल्ट कब निकलेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और रिजल्ट निकलने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होगा वह कब तक हो पाएगा वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि यूपी ट्रिपल एससी के और कोई भी जो अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास एकेजीएस रिसर्च सेंटर पहुंचा पाए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो आप 15 और 16 अक्टूबर को जो परीक्षा देकर आए हैं यूपी पीईटी की, क्या उसने उस परीक्षा से कोई भी लेखपाल के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, आप यहां पर देखिएगा, जो आपकी यूपी पीईटी परीक्षा है 37 से 38 लाख बच्चों ने क्या दी है, परीक्षा दी है। आपको पता है इतने कैंडिडेट थे, लेकिन 20% बच्चे एब्सेंट थे, यह आपको भी पता चल गया होगा। हाँ, यह जरूरी है कि जो यूपी पीटी की परीक्षा थी, जो आयोग है वो इसकी जो ओएमआर सीट है उसको इकट्ठा करने में या फिर इसको संग्रह करने में लग गया होगा, और इसके रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सोच रहा होगा कि इसकी ओएमआर भी चेक करनी है। लेकिन दोस्तों, जो लेखपाल की भर्ती है वो आपको पता है वो काफी दिन पहले हो चुकी है, 31 जुलाई को उसका एग्जाम हो चुका था। तो दोस्तों, उसमें 2,12,000 बच्चों ने क्या दिया था, थोड़ी अटेंडेंस दी थी अपनी, यानी कि पेपर देने पहुंचे थे। तो दोस्तों, आप एक बात बताइए, क्या इनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा? अगर ये पहले से वेट कर रहे हैं तो ये मैं मानता हूं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पीटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान गया है आयोग का, लेकिन यह भर्ती भी आयोग की नजर में है, इसलिए इस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ने देगा, इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालेगा। और जो आपकी ओएमआर सीट थी, आपको पता है मित्रों कि वह बीच में रोक दी गई थी उसकी चेकिंग, क्योंकि आपको पता है संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होने लगी थी, संदिग्ध व्यक्ति पकड़ने लगे थे, बीच में जो ओएमआर की जो चेकिंग है वो आपकी रोक दी गई थी, लेकिन आपको पता है वो शुरू भी हो चुकी है और लगभग 70% आपकी ओएमआर चेक हो चुकी है, बाकी बची है तो 30%। जो आपको ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा, विश्वास मत करिए दोस्तों, जो सत्य है मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूं, चाहे निराश हो चाहे ये अच्छी खबर हो, लेकिन जो सत्य है वह सत्य है मित्रों, क्योंकि जब 70% ओएमआर चेक हुई है तो आपकी जो 30% है पहले वह चेक होगी, तभी तो कोई रिजल्ट का नाम आएगा। मित्रों, अब दोबारा चेकिंग शुरू हो चुकी है, 30% भी ओएमआर सीट जल्दी ही चेक हो जाएगी। मित्रों, तो रिजल्ट कब तक आएगा? ओएमआर शुरू हो चुकी है, पीटी का भी एग्जाम हो गया, आप बहुत अच्छे से देकर आए होंगे, तो जो आपका यह रिजल्ट है मित्रों, यह कब तक आएगा? तो मित्रों, यह जो आप रिजल्ट है यह आपका थोड़ा सा लेट जाएगा, क्योंकि ओएमआर जो 30% है वो अब चेक होने लगी है, उसके बाद उनकी मेरिट वगैरह भी बनाई जाएगी, उसके लिए आपका जो ये आपका रिजल्ट है ये दीपावली के बाद ही जाएगा। मित्रों, जो आपकी दीपावली है, जो आपकी दिवाली है मित्रों, उससे यह पीछे जाएगा, यानी कि हो सकता है आपका यह लास्ट वीक, जो आपका लास्ट वीक है अक्टूबर का, जो अक्टूबर का लास्ट वीक है उससे लेकर जो फर्स्ट वीक आएगा, जो आपका फर्स्ट वीक आएगा किसका, नवंबर का फर्स्ट वीक, इसके बीच में आपको रिजल्ट देखना मिल सकता है दोस्तों, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर जो नवंबर का फर्स्ट वीक आएगा उसमें आपको लेखपाल का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि तब तक शायद आपकी जो ओएमआर सीट है वो पूरी चेक हो सके मित्रों। फिर जब रिजल्ट अगर इस दौरान आ गया मित्रों, तो आपका डीवी कब होगा? तो दोस्तों, लगभग 15 से 20 दिन पीछे यह जो रिजल्ट निकलेगा, इससे 15 से 20 दिन पीछे आपको डीवी के लिए बुला दिया जाएगा, यानी कि अगर फर्स्ट वीक नवंबर में अगर आपका रिजल्ट निकलता है दोस्तों, तो लास्ट वीक जो नवंबर का होगा,
यानी कि जो लास्ट वीक जो नवंबर का होगा मित्रों, उसमें आपको क्या करेंगे, डीवी के लिए बुला लेंगे। यानी कि लास्ट वीक नवंबर से लेकर जो फर्स्ट वीक दिसंबर का होगा, उसमें आपके डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जब आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वह इंफॉर्मेशन आप पर पहुंचे और आप इस जानकारी से अवगत हो जाए। ठीक है ना मित्रों, तो आपको पता चल गया है कि पीटी से कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं पड़ने वाला है। ओएमआर की जो चेकिंग है वो शुरू हो चुकी है, आपके 30% ओएमआर भी चेक हो जाएंगे काफी जल्दी। जो रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और जो फर्स्ट वीक है नवंबर का, उस दौरान आ सकेगा। दोस्तों ये अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे कि प्रक्रिया चल रही है, और वहीं पर डीवी आपका अगर रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक तक निकलता है तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका डीवी होने के चांसेस रहेंगे। और जबकि मैं मेनली आपको बता दूं, एक साधारण वे में डीवी में आपके वह डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जो आपके फॉर्म में भरे गए थे, यानी कि फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगा था उन सब की डॉक्यूमेंट चाहिए डीवी में, क्योंकि डीवी का मतलब ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मैं उम्मीद रख रहा हूं दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई वह आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और मैं पूरे एनालाइज के साथ इस इंफॉर्मेशन को लाया हूं। और भी कोई अगर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आप पर पहुंच जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे जो आपको यूट्यूब पर बहकाया जा रहा है उससे जो और जो बच्चे हैं उनको भी है पता चले कि रिजल्ट आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में ही आएगा, वह बहकावे में ना आए। लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा। मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।